नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज और पटना सिटी से है। सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका और राज्यवासियों की भलाई के लिए प्रार्थना किया। सीएम ने इस दौरान कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सर्वस्व दानी थे, उनका योगदान त्याग और बहादुरी पूरे विश्व भर में कोई भी भुला नहीं सकता, वे हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन त्याग और बलिदान का प्रतीक था और दूसरों की सेवा के लिए समर्पित था। उनका मानना था कि समाज में शांति बहाल करना और आपसी भाईचारे की बेहद जरूरी है, इसलिए हम सभी को चाहिए कि उनसे प्रेरणा लेते हुए समाज के प्रति भेदभाव न रखकर प्रेम सद्भाव और समानता का भाव रखें। असल में यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 2017 में ये आप सब जानते हैं, इसके पहले भी यहाँ काफी पूजा होती थी, सब जाते थे, लेकिन उसके बाद से और ज्यादा संख्या में लोग आते हैं और इस बार कोरोना है, इसलिए इसके चलते बहुत सारा काम सीमित रखा गया है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सब जगह से देश के कोने कोने से कितने लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। ये भूखी आप जानते हैं एक विशिष्ट स्थल है और हम लोगों के लिए तो ये भूखी खुशी की बात है, गौरव की बात है। और हर वर्ष जो भी 350वें साल से हुआ और उसके बाद तो हम लोगों ने आप जानते ही हैं गुरु नानक देव जी महाराज का भी शुरू किया, राजगीर में हुआ आए थे, शीतल कुंड है वहाँ पर भी कितना अच्छा सब कुछ का निर्माण हो रहा है। इस तरह से हम लोगों की जो श्रद्धा उसको तो वेदित करना अपना मुकट करना ये हम लोगों का कर्तव्य है, इसलिए आज जो फिर ये कार्यक्रम चल रहा है इसके बिहार के लिए श्रद्धा लगातार जारी है।